श्रीमती मोहरी देवी दापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है रूल्स फॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। प्रीवियस वीडियो के अंदर अपन इंटीग्रेटेड फैक्टर के लिए कुछ रूल्स पढ़ रहे थे, ठीक है। उसमें अपन ने फर्स्ट रूल और उसके एग्जाम्पल्स को अपन ने डिस्कस किया था, सेकेंड रूल के भी अपन ने टर्म्स को देखा था, और आज अपन सेकेंड रूल के जो एग्जाम्पल्स किस तरह से सॉल्व होते हैं उसको अपन आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सेकेंड रूल के अंदर अपन ने क्या देखा था, अपनी जो गिवन इक्वेशन होती है वो होमोजीनियस इक्वेशन होती है, mx प्लस mdx प्लस ndy इक्वल्स टू जीरो, ये अपने को गिवन होता है, ठीक है। अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं रूल नंबर सेकंड की। तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर सेकंड अपना क्या होता है, जो वैल्यू होती है अपने को चेक करनी होती है वो ये होती है mx माइनस ny डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर इसकी वैल्यू क्या हो जाए अपनी नॉट इक्वल जीरो होए, किसकी, एम एक्स माइनस एन वाई की, देन जो अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स होता है वो क्या होता है, वन बाई एम एक्स माइनस एन वाई होता है। ये वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और इसका अपन पूरी जो इक्वेशन होती है डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है उसके अंदर अपन क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और आंसर को फाइंड आउट करते हैं। डिवाइड करते ही अपनी जो इक्वेशन होती है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर चेंज हो जाती है, और फिर अपन जैसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसे उस इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स को अपन आज डिस्कस करते हैं। रूल नंबर सेकेंड का एग्जाम्पल्स तो होता है उसको अपन किस तरह से डिस्कस कर सकते हैं, देखिए। तो एग्जाम्पल को देखते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से अपन इस रूल को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अपना जो गिवन है एग्जाम्पल यहाँ पर अपन लेते हैं, एग्जाम्पल अपने को गिवन है, इफ सॉल्व करना है अपने को, तो यहाँ पर अपने को गिवन है एक्स वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब dx माइनस प्लस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स डी वाई इक्वल्स टू जीरो। ये एग्जाम्पल अपने को गिवन है और इसको क्या करना है अपने को यहाँ पर सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जो वैल्यू अपने को गिवन है, ठीक है, तो वैल्यू यहाँ पर अपने को गिवन है, यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई में ये चीज़ नहीं है, ये इतना ही है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पर अपने को गिवन है। तो यहाँ से अपन एम और एक्स की वैल्यू को लिख लेते हैं, एम की वैल्यू है एक्स वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, ये है एक्स वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, ये तो है x की वैल्यू और m की वैल्यू, और n की वैल्यू क्या है अपने को गिवन, n बराबर में है अपना एक्स वाई माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ये वैल्यू अपने को यहाँ पर गिवन है और इसे अपने को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ये वैल्यू गिवन है m और n की। अब अपने को निकालना क्या है, यहाँ पे एम एक्स माइनस एन वाई यही फाइंड आउट करना है, एम एक्स माइनस एन वाई, एम को किसे मल्टीप्लाई करवाना है x से, और n को किसे मल्टीप्लाई करवाना है y से, और उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए अपन इसको सॉल्व करते हैं, एक्स वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करवाना है x से और उसमें से घटाना है n को एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, इसको y से मल्टीप्लाई करके घटाना है। तो देखिए घटाते हैं अपन क्या बचता है अपना, पहले x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये आ गया, इसका किया तो टू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब ये बन गया। उसके बाद देखिए इसका करवाते हैं अपन y से, तो यहाँ बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और बनेगा प्लस में एक्स क्यूब वाई क्यूब। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पर कितना बच गया अपना, थ्री एक्स क्यूब वाई क्यूब बच गया, डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, इसकी वैल्यू क्या नहीं है, इक्वल्स टू जीरो नहीं है। देन अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन जाएगा,
इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा 1/3 एक्स क्यूब वाई क्यूब बन जाएगा। अब ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को अपन क्या करवाएंगे, पूरा जो अपना इक्वेशन है उस इक्वेशन से इसकी क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन की मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे अपन सॉल्व करते हैं, तो देखिए क्या बचेगा अपना। जब अपन इसका इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इक्वेशन अपनी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। देखिए इक्वेशन ये है, इसको मैं मल्टीप्लाई, जो फर्स्ट स्टेप है उसमें मैं 3x³y³ का मल्टीप्लाई करवाती हूँ, x² + 2x² y³, ये हो गया dx, प्लस इसका मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा 3x³y³ x²y - x³y²(dy=0)। अब देखिए अपन इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 1/3 को मैं यहाँ पर बाहर रख लेती हूँ और इसको पूरे को अंदर मल्टीप्लाई कराती हूँ, तो ये क्या बन गया, देखो यहाँ जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो बचेगा 1/x²y बचेगा, ठीक है, प्लस में यहाँ पर जब अपन मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बचेगा 2/x, ये बच गया, ठीक है, क्या बचा, 2/x बच गया, ठीक है। उसके बाद इसको अपन और सॉल्व कराते हैं, जब यहाँ तो dx आई और इसको जब अंदर कराते 1/3 तो यहाँ रख लेते हैं, जब इसको अंदर लेके जाते हैं तो यहाँ बचेगा 1/x बचेगा एक तो, और एक क्या बचेगा 1/y, ठीक है, x³ से x² कैंसिल, y² बचेगा पहले, ठीक है, और एक x भी बचेगा और यहाँ पर बचेगा y, और ये dy=0। अब देखिए, अब अपन ये देखते हैं कि ये जो अपनी इक्वेशन आई है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, तो अपन क्या करवाते हैं, m का अपनी y की रेस्पेक्ट में करवाते हैं और n का x की रेस्पेक्ट में अवकलन करवा के चेक करते हैं। तो m का मैं y की रेस्पेक्ट में, ये मेरा m है, जब मैं m का डेल m y डेल y, m का मैं y की रेस्पेक्ट में अवकलन करवाऊंगी तो कितना आएगा मेरा, माइनस का 2/3 x²y, यही तो आएगी वैल्यू। इसको जब अपन करवाएंगे, देखो x²y यहाँ पे नीचे है तो इसकी जब अपन करवाएंगे तो -2 ऊपर जाएगा, -2 से आएगा और यहाँ पर कितने बचेगा, माइनस यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, y की क्यूब ये आएगा। इसका करवाएंगे अपन, ठीक है, इसका जब अपन करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, y² ही आएगा, y⁻¹ तो यहाँ -1 ये आएगा, ठीक है। अब जब अपन n अपना ये है डेल n बाई डेल x निकालते हैं, n का अपन x की रेस्पेक्ट में करवाएंगे तो यहाँ 1/x है तो इसका करवाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1/3x²y². अब देखिए ये वाली दोनों वैल्यूज क्या है, बराबर है, तो गिवन इक्वेशन क्या आ जाएगी यहाँ पे, डेल m बाई डेल y = डेल n/डेल x, यही होती है कंडीशन अपनी, कोई भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको चेक करने का तरीका यही होता है। इसका मतलब ये जो मेरी इक्वेशन आई है ये कैसी है, मेरी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही अपन इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में अपन क्या फाइंड आउट करते हैं, पहले अपन mdx फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, m का dx की रेस्पेक्ट में समाकलन, तो यहाँ पे m है ही, वैल्यू रख दो 1/3 x²y + 2x, इसका अपनी dx की रेस्पेक्ट में, तो जब अपन इसका अवकलन करेंगे तो अपने पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, देखिए यहाँ पर तो 1/3 एज इट इज रहेगा, इस ये तो कांस्टेंट है, जब इस एक्स की पावर 2 नीचे है तो एक्स की पावर -2 ऊपर जाएगी तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1/xy आ जाएगा, एक वैल्यू तो ये आ गई, और इसका क्या आ जाएगा 2
लॉग एक्स, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ये किसकी वैल्यू आ गई, एम डी एक्स की वैल्यू जो है यहाँ पर आ गई। अब देखिए अपने जो अपना निकालते हैं दूसरी वाली टर्म उसको यहाँ पे निकालते हैं, पहले एन में से उसको घटा के फिर अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो अगली वैल्यू क्या होती है, एन माइनस डेल बाई डेल वाई एम डी एक्स और बाहर रहता है अपना डी वाई, ठीक है। तो यहाँ पर अपन n की वैल्यू को पहले रखते हैं और फिर आंसर को फाइंड आउट करते हैं। तो जब मैं n की वैल्यू रखूँगी यहाँ पे, ठीक है, n की वैल्यू जब अपन रखेंगे तो n की वैल्यू क्या थी अपनी, 1 बाई एक्स, 1 बाई थ्री एक्स वाई स्क्वायर माइनस का 1 बाई वाई, ये तो थी अपनी किसकी, n की वैल्यू, ठीक है। अब उसके बाद में अपन डेल बाई डेल वाई निकालते हैं इसका, ठीक है। तो ये कितना आएगा, माइनस के माइनस, तो ये है ही पहले से, और इसका जब इसकी रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा अपना, प्लस हो जाएगा। जब इसका वाई की रेस्पेक्ट में होगा तो अपना आ जाएगा 1 बाई थ्री एक्स वाई स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और बाहर इसके क्या चल रहा है, डीवाई। अब देखिए इस वाली टर्म से ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो अपने क्या बची सिर्फ यहाँ पे 1 बाई थ्री 1 बाई वाई माइनस में, सॉरी माइनस वाई डी वाई, यही बचा। अब जब अपन इसका वाई की रेस्पेक्ट में आकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा माइनस 1 बाई थ्री लॉग वाई, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इन दोनों का एडिशन ही क्या होता है अपना, यहाँ पर सॉल्यूशन के रूप में लिखा जाता है। तो इन दोनों के अपन इक्वेशन को यहाँ पर लिखते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू जो है वो लिखी जाएगी, तो जो सॉल्यूशन का, जो क्वेश्चन का हल होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपन लिखेंगे अतः समीकरण का हल, समीकरण का हल तो क्या हो जाएगा, 1 बाई थ्री माइनस 1 बाई एक्स वाई, पहली एक तो ये थी, प्लस में 2 लॉग एक्स, ये था एक, ठीक है। उसके अलावा जो दूसरा सॉल्यूशन आया था वो क्या आया था, माइनस का 1 बाई थ्री लॉग वाई और इक्वल्स में सी, ये वैल्यू आई थी। अब देखिए इसको अपन थोड़ा सरल करके लिख लेते हैं, 3 को मैं उधर भेज देती हूँ और एक्स वाई को भी इधर भेज देती हूँ, तो अपना जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 को उधर भेज दिया तो ये किसी और में चेंज हो गया, यहाँ पर ये जो माइनस का 1 बाई एक्स वाई है, पहले अपन 3 को उधर भेज देते हैं तो बच गया माइनस 1 बाई एक्स वाई प्लस 2 लॉग एक्स माइनस log y इक्वल्स टू में 3c, यही हुआ। अब 3c को मैं k से रिप्लेस कर देती हूँ, ये वाली वैल्यू इधर माइनस की उधर भेज देती हूँ, इधर सिर्फ log वाली वैल्यूज रख लेते हैं, तो इधर हो गया 2 log x माइनस log y इक्वल्स टू में 1 बाई एक्स प्लस वाई, और इसको मैंने रिप्लेस कर दिया k से, ये क्या हो जाएगा अपना सॉल्यूशन है हो जाएगा। जो गिवन इक्वेशंस होती है रूल नंबर सेकंड के अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए अपने को क्या करना होता है, जो गिवन इक्वेशन होती है उसके लिए पहले एम एक्स माइनस एन वाई निकालते हैं, फिर उसके अगर वो नॉट इक्वल जीरो होता है तो उसके लिए क्या कर लेते हैं अपने, वन बाई एम एक्स माइनस एन वाई जो होती है वो अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाता है, और फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके अपने आंसर को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये था अपना आज का वीडियो जिसके अंदर अपन ने रूल नंबर सेकंड को डिस्कस किया इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।